मैंने फोन को ऐसे अच्छे से दिखा दिया डब्बे में, डब्बा रख के, ताकि ये गिरे ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको गर्मियों के लिए कुछ सनस्क्रीन बताऊंगी। मैं थोड़ी लेट हो गई, ये सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। एंड कुछ उस सनस्क्रीन कौन कौन सी स्किन टाइप यूज कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहली सनस्क्रीन जो गर्मियों के लिए बेस्ट है वो ये डॉट एंड की वाली सनस्क्रीन। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, लगाने के बाद हैवी फील नहीं होता, नो व्हाइट कास्ट, एंड इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरे जैसी। तो कौन सी स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हैं? इसको ड्राई से नॉर्मल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, एंड सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी फेवरेट सनस्क्रीन जो बिना कोई डाउट के मैं यूज करती हूँ एंड मैंने उसको फिर से ऑर्डर किया है, वो है ये एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन। इसमें नो व्हाइट कास्ट है, बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है, लाइट वेट है, स्टिकी बिल्कुल भी नहीं लगता। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि लगाने के बाद ना चेहरा भी एकदम ग्लो करता है। तो मैंने इसको अपनी मम्मी के लिए मंगाया दूसरी बार, क्योंकि पहली बार जब मैंने मंगाया था, इसको ट्राई किया था, तो मेरी मम्मी भी इसको लगाती थी, उनको बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने उनके लिए ऑर्डर किया। तो आप भी इसके साथ जा सकते हो एंड हर स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हैं, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, नॉर्मल, सारे स्किन टाइप। नेक्स्ट ना ये फ्लिक्स का जेल सनस्क्रीन बहुत ज्यादा अच्छा है। जेल कंसिस्टेंसी है इसकी, इजिली अब्सॉर्ब हो जाता है, चिपचिपा नहीं लगता एंड नो व्हाइट। सारे स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हैं। फ्लिक्स वाला है ना, मैंने अमेजोन में देखा था, सीरम के साथ कॉम्बो पैक में मिल रहा था, बट हमें सिर्फ सनस्क्रीन चाहिए, तो आप नायका में भी देख सकते हो। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। ये गर्मियों के लिए मेरे को तीन सनस्क्रीन बेस्ट लगे। आप मुझे सजेस्ट करना और कोई सनस्क्रीन होंगे तो मैं उसको भी ट्राई करूंगी। एंड अगर आप ये तीनों में से कोई सा भी सोच रहे हो तो लगाने से पहले पैच टेस्ट करना, फिर उसके बाद लगाना चालू करना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यहाँ तक लाइक का बटन दबा के जाना, एंड और भी वीडियोस आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब किए भी मत भूलना।